में विविध धर्म जाति के लोग रहते हैं। यहाँ सभी त्यौहार बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं और हर धर्म के लोग एक दूसरे के त्यौहारों में शामिल होकर त्यौहार की खुशी दुगुनी कर देते हैं। इसी प्रकार मुस्लिम समुदाय का पावन रमजान का मुबारक महीना शुरू है, जो कि बरकत और रहमतों की बारिश लाता है। कई दिल पुरसुकून हो जाते हैं। इस पवित्र माह में लोग कड़ी धूप में भी भूख प्यास पर काबू पाकर सिर्फ इबादत पर ध्यान देते हैं और अपनी सहनशीलता का परिचय देते हैं। बड़ों के साथ छोटे बच्चों के भी हौसले की दाद देनी पड़ेगी। महज 6 से 7 साल की उम्र में भी वह रोजा रखते हैं। गर्मी भले ही 40 का आंकड़ा पार कर ले, पर उनके हौसले टस से मस नहीं होते। रोजा सूर्योदय से सूर्यास्त तक होता है। रात में उठकर जब खाना खाकर रोजा रखा जाता है उसे सहरी कहते हैं, और जब रोजा खोला जाता है उसे इफ्तार कहा जाता है। मगरिब की अजान के बाद सबसे पहले दुआ पढ़कर खजूर खाने से रोजा खोला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि खजूर से ही क्यों खोला जाता है रोजा? तो उसके पीछे वजह है कि चाहे अमीर हो या गरीब, हर शख्स ऐसी चीज से रोजा खोले जो आम तौर पर सबके पास मौजूद हो। रमजान के महीने को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग बेहद उत्सुक होते हैं। रमजान शुरू होने के पहले से ही सबकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमजान के महीने में 30 रोजे होते हैं और ईद चांद दिखने के अगले दिन होती है। ईद के दिन हर मुस्लिम मस्जिद में नमाज अदा करके सबसे गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं, और फिर आता है छोटे बच्चों का पसंदीदा हिस्सा जो है ईदी। सभी लोग छोटे बच्चे को पैसे देते हैं जिसे ईदी कहा जाता है। उसके बाद शीर खुरमा जो कि मीठा पकवान है उसे बनाकर उस पर फातिहा दिलाने के बाद सब में मिल बांट कर खाया जाता है। NBC न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, अभिषेक पांसी।